नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स ऑफ बीबीसी 24x7 में। आज हम खड़े हैं आइनॉक्स में। हम आए हैं IB71 फिल्म का रिव्यू लेने के लिए और यहाँ के दर्शकों को इस फिल्म को देखने के बाद उनका क्या है प्रतिक्रिया ये जानने के लिए और इवन के खुद भी दर्शक बनकर इस फिल्म को बारे में समीक्षा करने के लिए कि हमें यह फिल्म कैसा लगता है। तो जुड़े रहे हमारे साथ और आइए हम यहाँ पे आकर के काउंटर पे टिकट काटते हैं और फिर अंदर प्रवेश करते हैं और जानते हैं कि क्या है, कैसा है ये मूवी को बनाने में, किस टाइप का मेहनत किया है इसके अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सबका, कितना मेहनत रंग लाया है कि क्या हुआ है, दर्शकों से इसके बारे में जानते हैं। जो जुड़े रहे हमारे साथ, आप सबका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। Highly recommended. You are all thrilled to have watched it. Please go and see the movie. Film कब शुरू हुई और कब खत्म हुई यही नहीं पता चला। बहुत ही gripping है। Don't miss out IB71. 10/10. It's a must watch film. रोज आ जाइए ना भैया, ऐसे तो आते रहेंगे लोग। नमस्कार, मैं पंकज, मेरे सहयोगी मनोज जी मेरे साथ हैं और आइए हमारे बीच IB71 मूवी देख करके अभी भी कुछ दर्शक निकले हैं, उनसे जानते हैं ये मूवी उनको कैसा लगा। सर, स्वागत है आपका कॉफी कट मीडिया में। मैं पंकज। सर, आप अपना परिचय देते हुए कृपया बताइए कि कैसा लगा आपको ये मूवी। जो सर, आपको मूवी में ऐसा कौन सा पल था जब आपके दिल की धड़कने को तेज कर दी थी? टाइम में उसमें जो लड़की का जो खून का कतरा मिल गया था, उसको स्टैप किया था जी। वो जो कुत्ता जो है जो स्नाइपर डॉग्स था वो आया था, आने के बाद फिर भी वो उसको संभाल के लेके गाड़ी पर चढ़ाया, फिर जाके बॉर्डर तक लेके आया। उसी टाइम जो उसका जो पाकिस्तान का जो पदाधिकारी है वो पीछे चीप लेके आता रहा, उस टाइम दैट वॉज द रियल एक्सपीरियंस। सर, आप मूवी को 10 में कितना रेटिंग देंगे? 10 में मैं तो 9 दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हमारे बीच कुछ और दर्शक हैं, हम जानना चाहेंगे सर आपको IB71 ये मूवी कैसा लगा? ये बहुत अच्छा मूवी है जी। ये जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 का टाइटल पर बेस करते हैं, इंडियन खुफिया एजेंसी मतलब एजेंसी जो IB है उसने कैसे पाकिस्तान का ऊपर प्लान करके इंडियन एयर स्पेस जो है पाकिस्तान के लिए रूम दिया उसके ऊपर बेस करके मूवी है, बहुत अच्छा लगा। आपको खुद ही एक बात ये बताइए, जब मूवी में ऐसा कौन सा दृश्य आपको सबसे ज़्यादा आपके दिल के धड़कनों को तेज कर दिया? जब पाकिस्तान से जब इंडिया आ रहे थे तब कोई पकड़ नहीं पाए उस टाइम, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? आपका फैलन को। तो शैलन दा और भूमि भाभी हमारे साथ है, हमारे बीच है। तो आप क्या अभी और लोगों को बताएंगे IB71 फिल्म देखने को लिए? हाँ जी, मुझे मेरा एक दोस्त है उसने मुझे रिकमेंड किया था जी। तो हम लोग आए, अभी हम लोग जो सबको बोलेंगे कि ये मूवी बहुत अच्छी है, आप इतना मूवी जाइए। दादा और गोदी को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और मैं बता दूं, मैं भी आपको एक बात बता दूं, मैं दादा बोधी के साथ और अभी भी जो सर के साथ बातचीत किया, मैं भी इस पिक्चर को देखा और मुझे भी ये पिक्चर बहुत ही अच्छा लगा। खासकर रजत रॉय सर का एक मैंने सीन देखा जो इसमें एक्टर के हिसाब से काम कर रहे थे, जब वो एक उनके महिला इंटेलिजेंट का ब्लड जो निकल रहा था जब वो भारत आ रही थी वापस, उसमें उस पल में कुत्ते भौंक रहे थे ब्लड का एक ड्रग ढूंढने के कारण, तो उस वक्त पैरों से ऐसे पोंछते हुए पकड़ना किसी को पता ना चले इसके लिए ऐसा दृश्य को फिल्माया गया, वो काफी वाकई में दिल के धड़कनों को तेज कर देने वाला पल था। वही मोमेंट में मतलब फिल्म में हम लोग बहुत डर गए थे कि आप पकड़ा ना जाए, तो देखे फाइनली पकड़ ही लेंगे शायद।
चलिए आप दोनों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से, और ऐसे ही आप एक साथ फिल्मों को देखते रहें और आनंद करते रहें, और सभी को IB71 फिल्म के बारे में बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, IB71 मूवी बहुत अच्छी मूवी है, सब जाइए देखते रहिए, बहुत अच्छा है। मैंने भी इस फिल्म को देखा IB71, और देख करके जो आनंद मुझे प्राप्त हुई उसे मैं अपने शब्दों में नहीं बता पा रहा हूँ। इंटेलिजेंट ब्यूरो जिस देश में है उस देश का, उस भारत को कभी कोई आंच नहीं आ सकती है, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। और इस पिक्चर में जितने भी कलाकार काम किए हैं ना, वह सभी अपने आप में अभिनय के पाठशाला हैं। उनकी अभिनय कला को आप देख करके ना मंत्रमुग्ध हो जाने वाले हैं। तो विलंब ना करें, इस पिक्चर को जाके देखें। और साथ में मैं आपको एक बात बता दूं, विद्युत जामवाल सर जिनको मना किया गया था इनकी इस पिक्चर को रिलीज होने का, IB71 रिलीज होने के एक हफ्ता पहले द केरला स्टोरी फिल्म रिलीज होती है, और इन्हें मना किया गया था कि आप इस पिक्चर के बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने राष्ट्रहित, देशहित और व्यक्तिगत अपना संबंध को सर्वोपरि माना। अभी रिसेंटली फिल्म एक रिलीज हुई द केरला स्टोरी, जिसके लिए आपने पोस्ट किया आदर शर्मा के लिए, आपने डाला, हैव यू वॉच्ड द फिल्म, मौका मिला देखने का? मुझे बोला गया कि आप मत करिए क्योंकि आपकी फिल्म को अफेक्ट कर हो सकता है। मैंने किसी की सुनी नहीं और मैंने ट्वीट भी कर दिया और स्टोरीज में भी डाल दी। ये वही आइकॉन है जो हम सब यूथ के लिए एक प्रेरणादायक है। इनको देख करके हमने अपने बॉडी से प्यार किया, एक्सरसाइज से प्यार किया, और सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं संकट मोचन वीर हनुमान जी को अपना आराध्य मान के। तो यह सर इस पिक्चर को, विद्युत जामवाल सर ने इस पिक्चर को प्रोड्यूस किए हैं, संकल्प रेड्डी सर ने डायरेक्शन किया है, डायरेक्ट किए हैं, और साथ में अश्वक भट्ट सर जो कि NSD के टीचर हैं, जिनके अंडर में मैं सिलीगुड़ी मेटली रॉकी आइलैंड में 10 दिन इनके अंडर में रहकर वर्कशॉप किया था अभिनय का। मेरे हृदय में आज भी किसी न किसी कोने में अभिनेता बनने का सपना संजोया हुआ हूँ मैं। ये और बात है, मैं भले ही आज मैं जो भी कार्य में हूँ, लेकिन इच्छा आज भी कहीं ना कहीं वही है। और आपको बता दूं, रजत सर, रजत रॉय, जिनके साथ मुंबई में मैं बहुत कुछ सीखने का मुझे अवसर मिला है, और इनके गुरुदेव अनुपम खैर सर, ये सभी अपने आप में अभिनय के पाठशाला हैं, और इनकी नम्रता, इनकी अभिनय का कला कौशल के बारे में मैं शब्दों से क्या बखान करूं। इस पिक्चर को मैं पूरे 10 में 10 अंक दे रहा हूं। इस फिल्म को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कैसे हमारे जवान जो है IB डिपार्टमेंट के, तो हमें हमेशा समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हम आज देखते हैं एक चीज़ और, बॉलीवुड इंडस्ट्री में ना जो राष्ट्रहित की बात करता है उसे दरकिनार कर दिया जाता है, उसे वह एडवांटेज, उसे वह प्रेम नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। कोई बात नहीं है, इनके साथ श्रीहरि नारायण का प्यारा आशीर्वाद है और हमारे जैसे नौजवानों का सपोर्ट है। हम ऐसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, अभिनेताओं का हृदय से सैल्यूट करते हुए समर्थन सदैव करते हैं। और हाँ मेरे दोस्त, और अंतिम में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जब कभी भी आपको रास्ते में कहीं भी हमारे फौजी, जल सेना, वायुसेना और थल सेना और पुलिस फोर्स के जवान मिले, तो उन्हें सैल्यूट करके हृदय से जय हिंद कहना ना भूले। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही किसी अपडेट्स के साथ में। आप सबका दिन शुभ हो।